हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। तो आज मैं फिर से आप लोग क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का पार्ट थर्ड, कौन सा लेसन माय फेवरेट जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, किसका, त्रिकोणमिति का। आज पार्ट थर्ड आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कराओ। पार्ट थर्ड में भी हम लोग करीब दो क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके जस्ट सामने लिखा गया, क्या लिखा गया, आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया भाई? बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसमें भी क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा माय डियर्स, बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको आसानी से प्रूफ कर लेंगे भाई। आप कैसे प्रूफ करेंगे, चले स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कह रहा माय डियर्स, कॉट थीटा बराबर दिया गया 7/8। कितना दिया गया? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया। हाँ भाई, दिया गया। और आपको पता है जब इसका रेशियो के आधार पर देखोगे तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वह क्या होता है, क्या होता भाई, ए बाई एल होता है। ए का मतलब आपका होता है आधार, एल का मतलब क्या होता है, लंब, यानी आधार बटे लंब बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आइए बिना देर किए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया जिसका नाम दे दिया ए बी और सी, और जिसमें बी हमने क्या मान लिया, समकोण मान लिया भाई, समझ में आ गया। और ए को हमने क्या मान लिया, थीटा माना। जस्ट इसके सामने वाली ये भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। सबसे लंबी भुजा आपके कर्ण जो बची हुई तो वो तो 100% आधार होगी। और कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता, लंब होता है। तो हम कह सकते हैं कि आधार हमारा कितना 7 है और हमारा लंब कितना माय डियर्स, 8 है। तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकाले, मैंने आपको बताया ना, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बातें की जाए, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बातें की जाए यानी एक समकोण त्रिभुज की बातें की जाए, आपको फर्स्ट पार्ट में ही दर्शा दिया गया है, जबकि ज्ञात अगर हमारी दो भुजा के वैल्यू दिया गया, तीसरा अगर हमको ज्ञात करना है, उस समय हम एक प्रमेय का यूज करते हैं जिस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो लगा दीजिए ये कर्ण एसी आपका कर्ण कहता है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है भाई, समझ में आया। हाँ समझ में आ गया, चलिए हम निकाल लेते हैं। अब हमारा ए बी बराबर कितना दिया गया है, तो आपका 7 दिया गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी बराबर क्या दिया गया था, 8 का, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। इसका करेंगे तो 49 प्लस का क्या हो जाएगा, 64, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 113। तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर किधर भेजेंगे, देखिए किसमें हो जाएगा रूट, तो ए सी का जो वैल्यू आएगा, जो कर्ण का वैल्यू आएगा तो वो कितना आ जाएगा, 113 आएगा, ठीक, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अब हम जब इसका वैल्यू हमें पता चल गया भाई, तो हमारा कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ट में, 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्ट में पूरक बटे, 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्ट में भाई, और 1 माइनस का कॉस थीटा एक कोष्ट में। तो सबसे पहले साइन और कास ही दो दिया गया, तो साइन और कास का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आपको होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना दिया गया, 8, तो 8 बटे कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, समझ में आया। कास का निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो हम लिख देंगे तो कितना आधार है, 7 है, 7 बटे कितना हो जाएगा, 113 मान निकल गया, कोई भी डाउट नहीं, आसानी समझ में आ गया, ठीक। चलिए तो जब हमें मान मिल गए, तब इसी मान को इस जगह में पुटअप करना, रखना है कि नहीं रखना है, रखना है। साइन थीटा की जगह इसको रख देंगे, कॉस थीटा की जगह इसको रख देंगे। लेकिन उससे पहले आइए, जो एक क्वेश्चन दिख रहा है सबसे फर्स्ट वाला, जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इससे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते ऊपर वालों को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं, लिख लेंगे ना, कैसे लिखेंगे, नीचे वालों को 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते भाई, लिख लेंगे क्यों, आपको बताया गया एक फार्मूला, आप लोग सर समीका के अंदर कत पढ़े हैं, क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ट में ए प्लस बी और एक कोष्ट में ए माइनस बी, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया भाई। तो हमारा ये ए माइनस बी ए प्लस बी जो दिया गया, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी कोष्टक में दिया गया, तो यानी ये इस रूप में, इस रूप को हमने इस रूप में कर लिया कि नहीं कर लिया, जो यहाँ पर है, सीधी सी बात है भाई, आ गया।
अब हम क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू इसको पुट अप कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का साइन का वैल्यू है भाई 8 बटे रूट में 113 है, पूरे का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, पूरे बटे 1 माइनस 7 बटे रूट में 113 है और पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर करेंगे भाई। कोई डाउट यहाँ तक एकदम नहीं, एकदम क्लियर है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस का 8 का वर्ग करेंगे तो भाई 64 होगा, पूरे के बटे रूट का डबल बार इसको करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, केवल 113 बचेगा, पूरे के भाई 1 माइनस का 49 बटे क्या बचेगा 113 बचेगा। समझ में आया भाई, समझ में आया। इसके बटे 1 करके हम एक रूप ले लिए, किसका बन गया, घटाना का रूप हो गया भाई, नहीं हुआ, हो गया सर घटाने का रूप हो गया। अब जब ये घटाने का रूप होगा तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 13 आ जाएगा, 113 ऊपर वाले का एलसीएम 113, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस का 64 पूरे के बटे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 113 होगा, इसका भी 113 माइनस का क्या हो जाएगा 49 भाई। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब इसको हम 113 में 64 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 बटे 113, पूरे के बटे 113 में से 49 को घटाएंगे 64 बटे क्या बचेगा 113, ये एक कट जाएगा तो बचेगा 49 बटे क्या बचेगा माय डियर 64 बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू आंसर आ जाएगा। पहले का तो आंसर हमें समझ में आ गया कहाँ सर क्या होता है, समझ में आया ना, बिल्कुल कैसे आए बता दिया गया ना भाई। ये देखो एक फार्मूला बना हुआ है, किसका फार्मूला बना हुआ है, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है, इसके आधार पर मैंने इसको रख दिया। बिल्कुल सही भाई, परफेक्ट है, हाँ सही है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर घटाना बन गया, घटाना तो आपको आसानी से आता है भाई, भिन्नों का जोड़ घटाना आपको परफेक्ट रूप से पता है क्योंकि इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिसको हमने वैल्यू निकाला तो हमारा ए आया, तो जब इसको हमने ए वैल्यू निकाला तो हमारा ए आ गया, ठीक। अब इसमें दूसरा है आपका बचा हुआ, क्या बचा हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, पहला तो हो गया, दूसरा निकालना। तो कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया गया था क्या, 7/8 दिया गया था, 7/8 हम कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे निकालेंगे तो 49/64 आएगा, नहीं आएगा भाई, 7 का वर्ग करोगे तो 49, 8 का वर्ग करोगे 64, देखो हम कह सकते कि इन दोनों का जो वैल्यू आया, ये दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, बराबर है। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। आशा करते हैं कोई भी डाउट्स नहीं होगा, अगर आपको डाउट्स आ भी रहा भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ना, तेज से कमेंट करिए, ज़्यादा कमेंट करिए, इतना कमेंट कीजिए कि आपको डाउट्स हम क्लियर करने का क्या कर सके, प्रयास कर सके, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आसानी समझ में आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए, ठीक। चले भाई, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को क्या करते देखते, दूसरा कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sec थीटा बराबर आपका दिया गया 13/12 यानी 13/12 दिया गया। अरे भाई पूरे त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना, पूरे का मतलब आपको sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, आपको tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, आपको cot थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, इसके साथ साथ आपको कोसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है भाई, सबका ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए कैसे ज्ञात होगा, इन बातों को तो हम देखते हैं। करा अन्य त्रिकोणमिति अनुपात कीजिए, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात यही भाई है कि नहीं, जरा ज्ञात कीजिए। आप कैसे ज्ञात करेंगे भाई, बड़ा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ी समस्या। सर कैसा मान आएगा, ये तो सिर्फ इक्के का दिया भाई, डरना नहीं है आपको, डायरेक्टली यहाँ देखिए ना वही लगाइए फार्मूला कौन सा। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा ना, इसको हमने बना दिया ए बी और सी लिखा, ये 90 डिग्री एंगल थीटा इसे मानेंगे तो ये हमारा क्या होगा लंब होगा, ये हमारा क्या होगा कर्ण होगा, ये हमारा क्या होगा आधार होगा। बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई। तो कह रहा है sec थीटा बराबर 13/12 हो तो, और आपको पता sec थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो sec थीटा का जो वैल्यू होता है वह होता है K/A, क्या होता है K/A होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना देखो साइन का L/K होता है, कॉस का A/K होता है, टेन का L/A होता है, उसी तरीके से टेन का काट होता है, कॉस का सेक होता है, साइन का कोसेक होता है, बताया गया भाई, आपको बताया गया तो ये होता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं ना, तो K का वैल्यू जो है वह कितना भाई 13 है,
और आपका आधार का वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है ना, आधार का वैल्यू 12 है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया गया, तो निकाल लीजिए ना भाई, निकालिए ज़रा, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो वही लगा दो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का वैल्यू दिया गया 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए बी का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर नहीं दिया गया। इसका हम वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 169 बराबर 12 का निकालेंगे तो 144 प्लस का क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, 144 किधर भेजेंगे तो माइनस का रूप ले लेगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, माइनस का रूप ले लेगा, 169 माइनस का 144 बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, घटेगा तो कितना घटेगा, बचेगा हमारे डीएस 25 बचेगा इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर किधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा इक्वल टू बी सी आ जाएगा, तो रूट को हटाओगे तो क्या बचेगा हमारे डीएस 5 बचेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी। तो हम कह सकते हैं जो लंब होगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। अब जब हमें लंब कर्ण आधार मिल गया है तो इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है एल बाई के, कॉस थीटा बराबर होता है भाई ए बाई के, टेन थीटा बराबर होता है भाई एल बाई ए, ठीक है, कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा ए बाई एल हो जाएगा, कोसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है के बाय क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा कि एल कितना है, साइन थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो एल कितना दिया गया, तो एल दिया गया 5, तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ए का निकालें, कास का निकालेंगे तो ए बटे के, ए आपका दिया गया 12, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। टेन का वैल्यू क्या दिया गया भाई, एल बाई ए होता है तो एल कितना दिया गया, 5, तो हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई, ये कितना दिया गया माय डियर्स, 12 दिया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/12। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, कॉट का दिया गया, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉट बराबर क्या होता है ए बाई एल, तो ए हमारा क्या दिया गया, 12, तो 12/L कितना दिया गया, 5 दिया गया, ये हो जाएगा। लास्ट वाले कोसेक का जो वैल्यू निकालना है क्या होता है, के बाई एल होता है, के आपका दिया गया 13 और यल कितना दिया गया, 5, 13/5। ये देखो सभी त्रिकोणमिति का मान आ गया, ये हमारा क्या है, आंसर है। ये यहाँ पर आप लोगों का जो एक्सरसाइज थी, क्या थी माय डियर, जो एक्सरसाइज क्या थे त्रिकोणमिति का, कि 8.1 का जो एक्सरसाइज आपका है ये यहीं पर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कल के पार्ट्स में आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 की क्या की जाएगी, बातें की जाएगी, ये और यहीं पर आपका क्वेश्चंस क्या होता है, पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। अगले पार्ट्स में हम लोग 8.2 के अंतर्गत कुछ और समीकरण होंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत, उसमें कुछ फार्मूलेस का भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जस्ट राइट कर लीजिए, अगले पार्ट्स में कल फिर से मिलूंगा भाई, ठीक।